गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे पृथक्करण की विधियाँ। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि मिश्रण से घटकों को किस तरह से अलग किया जाता है और मिश्रण से घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है। सबसे पहले जो विधि है वो है हस्तचयन विधि, यानी किसी भी मिश्रण से उसके घटकों को हम हाथों से चुनकर अगर पृथक करते हैं तो उसे हस्तचयन विधि कहते हैं। अगर मिश्रण में घटक कम मात्रा में हों और उनका साइज़ बड़ा हो, आकार बड़ा हो, तो उन्हें हाथों से चुनकर अलग कर सकते हैं। आपने घरों में देखा होगा, मम्मी चावल में से कंकर चुनती हैं, गेहूं में से कंकर चुनकर अलग करती हैं हाथों से। इसे बीनना या हस्तचयन विधि कहा जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, देखिए। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए और अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप इसमें एक ही प्रकार के अन्न के कण देखते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें पत्थर के टुकड़े हैं, टूटे हुए अन्न के कण हैं, या और कोई अन्य खाद्य पदार्थ जो है उसके कण हैं, तो ये उसमें मिले होते हैं। तो अब हम इन्हें, इन सबको अलग कैसे करेंगे? छान कर ये अलग होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हस्तचयन विधि द्वारा, यानी हाथों से चुनकर इनको अलग करेंगे। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों के पत्थर के टुकड़े हैं, भूसे को अलग करने में किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती। ऐसी परिस्थितियों के अंदर क्या किया जाता है? हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि होती है। तो हस्तचयन विधि हम कब काम में लेते हैं? जब अशुद्धियाँ क्या हों, कम हों और जो मिश्रण है वो ठोस के रूप में हो, तो हम क्या करेंगे? हाथों से चुनकर उसे अलग करेंगे। दूसरी विधि की हम बात कर रहे हैं, थ्रेसिंग विधि। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। थ्रेसिंग में आपको मैं बता दूं क्या होता है। जो अनाज, जो खेतों में फसलें बोई जाती हैं, जब वो पक जाती हैं तो उन्हें काटा जाता है और काटने के बाद उन्हें सुखाया जाता है। जब ये सूख जाती हैं तो भूसे से अनाज को जो अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। तो भूसे से अनाज को अलग करने के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। एक तो क्या किया जाता है कि उस सूखे भूसे को छड़ियों से पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, अनाज उससे अलग हो जाता है। पौधों से अनाज को अलग करने से पहले उन्हें धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्टरों पर लगे अन्न कणों की संख्या की कल्पना बहुत ज़्यादा होती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, आम तथा अमरूदों के वृक्षों से इन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है? इनको तोड़ने के लिए क्या किया जाता है? या तो पेड़ पे चढ़ के इनको तोड़ लिया जाता है, या छड़ी से क्या करते हैं, उसको जोर से मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक करते हैं? देखिए, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों, या फिर हम बात करें अनाज जो है उसे अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थ्रेसिंग क्या है। थ्रेसिंग का मतलब है कि जो सूखे पौधे होते हैं उनसे अनाज को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में फसलें हैं तो इन्हें पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन आती है, उसका उपयोग भी किया जाता है। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पे आपको डायग्राम ये दिख रहा है, थ्रेसिंग की प्रक्रिया इसमें दिख रही होगी आपको। ये साइड के अंदर जो लगे हैं डंठल, यानी सूखे जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं, इन्हें पीटकर, जब इन्हें सूखे पौधों को पीटा जाता है तो अनाज के जो कण होते हैं वो इनसे अलग हो जाते हैं, और बड़े मात्रा में अगर है तो थ्रेसिंग मशीन काम में ली जाती है। तो ये दो विधियाँ हो गई, हस्तचयन विधि और थ्रेसिंग विधि। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी विधि की, यह है निष्पावन। जैसा कि समझ में आ रहा है आपको नाम से ही, पवन का मतलब होता है हवा। हवा के द्वारा मिश्रण के घटकों को उससे अलग करना। अगर कोई मिश्रण है उसमें कुछ कण भारी हैं और कुछ कण हल्के हैं, यानी उनके वजन में अंतर है, तो इस प्रकार के मिश्रण के घटकों को हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, तेज़ हवा में जब इन्हें ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हल्के कण हवा के साथ उड़कर आगे जाके गिर जाते हैं, जबकि भारी कण क्या होते हैं, वहीं गिर जाते हैं।
और गेहूं को आपने देखा होगा कि जब तेज़ हवा चलती है या पंखा चलाकर गेहूं को ऊपर से ऊंचाई से गिराया जाता है तो गेहूं में जो छिलके होते हैं, हल्के कण होते हैं, वो आगे जाके गिर जाते हैं और गेहूं भारी होने की वजह से वहीं गिर जाते हैं। तो इस तरह से हल्के और भारी कण का जो मिश्रण होता है उन्हें इस पावन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। अब देखिए, आप इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, 3 सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे या फिर सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, क्या दोनों अवयव में आसानी से पृथक कर सकते हैं, छान कर नहीं कर सकते? अगर हम बात करें दोनों अवयव के कणों का, जो अमाप होगा वो समान होगा। अगर किसी मिश्रण में सभी घटकों का आकार समान होता है तो छानन विधि का उपयोग हम नहीं कर सकते, या तो वो सारे ही छन जाएंगे या फिर एक भी कण नहीं छनेगा। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, यानी ऊंचाई तक ले जाकर उसे धीरे धीरे नीचे गिराना है। क्या दोनों अवयव रेत और बुरादा एक ही स्थान पर गिरते हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों क्या होंगे, अलग अलग गिरेंगे। किसी मिश्रण से उसके अवयव को इस विधि के द्वारा पृथक करने की जो प्रक्रिया है, या इस विधि को निष्पावन विधि कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी और हल्के जो अवयव होते हैं इन्हें पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से अलग करने में करते हैं, यानी जो अन्न के कण होते हैं, जो अनाज होता है उसके अंदर जो हल्के भूसे के कण होते हैं उन्हें निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये एक औरत है जो कि टेबल पे चढ़ के अनाज को ऊपर से नीचे की ओर गिरा रही है। तो जो अनाज के कण हैं वो भारी होने की वजह से वहीं गिर गए और जो हल्के कण हैं भूसे के वो तेज हवा के साथ उड़कर आगे चल गए, क्योंकि इनका वजन क्या है, कम है। इस तरह से मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से 3 विधियाँ आज हमने पढ़ी हैं, हस्तचयन विधि, थ्रेसिंग विधि और निष्पावन विधि। इस प्रकार से और अन्य कई विधियां हैं जिनके द्वारा मिश्रण से घटकों को हम पृथक कर सकते हैं, उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निष्पावन विधि के द्वारा मिश्रण के घटकों को कैसे पृथक किया जाता है। आपको निष्पावन विधि का जो है वो बताना है कि किस तरह से घटकों को पृथक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, थ्रेसिंग क्या है? थ्रेसिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, सूखे पादपों से अनाज को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है सूखी फसलों से। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, हस्तचयन विधि के द्वारा मिश्रण से घटकों को कैसे पृथक करते हैं, समझाइए। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, वो आपको करके और मुझे कल इसी टाइम तक सेंड करने हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।